Hello and very good afternoon to one and all. I am Dr. Rakesh Singh Paraste, Assistant Professor of English from Swami Vivekanand Government Postgraduate College, Harda, Madhya Pradesh. Dear student, today I am going to talk about your syllabus of BA, BSc, BCom, BHSc, third year ke foundation course English language ke bare mein charcha karne ja rahe hain. Priya vidyarthiyon, aap logon ko avgat hi hoga ki aap logon ka exam jo hai, exam ki jo time table hai, almost मतलब एक दो सप्ताह के अंदर आ सकती है और आप लोगों को जो एग्जाम होगा एनुअल एग्जाम वो अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो सकती है. तो सभी विद्यार्थियों में एक जाहिर सी बात है कि एग्जाम के पहले का जो टेंशन रहता है, जो एक मानसिक प्रेशर रहता है, वो ऑलरेडी बना हुआ है. लेकिन यदि आप उस मानसिक प्रेशर को अपने उसमें रखेंगे, माइंड में ही रखेंगे, तो मतलब उसका आपको गलत प्रभाव पड़ेगा. इसलिए कूल डाउन होकर के अपने स्टडी में ध्यान दीजिए, जो भी स्टडी मटेरियल उससे पढ़िए. तो क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए सिलेबस को क्लियर कंसेप्ट होना, सिलेबस के बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है. तो इश्यू को ध्यान में रखते हुए मैं आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो एंड डेफिनेटली आई एम प्रीटी श्योर दैट दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू. इस वीडियो के माध्यम से मैं सिलेबस के बारे में बताऊंगा और उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे कितने मार्क्स का कौन सा यूनिट आता है. तो आइए शुरुआत करते हैं. लेट अस स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन. ओके, तो ये जो आप देख सकते हैं ये आपके यूजी फाइनल ईयर के फाउंडेशन कोर्स पेपर सेकेंड का जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके बारे में है, जिसमें आप लोगों का जो मैक्सिमम मार्क्स थ्योरी जो पेपर होगा, यूनिवर्सिटी से जो क्वेश्चन बनेंगे वो 30 नंबर के होंगे, और इंटरनल असेसमेंट जो कि CCE होता है, कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंशन एवेल्युएशन जिसे बोलते हैं, वो 5 नंबर का होता है. और आई होप दैट कि आप सभी लोग अपने अपने कॉलेजेस में CCE के एग्जाम कंडक्ट आपके हो चुके होंगे, फाइल सबमिट कर चुके होंगे, एज हमने जैसे हमारे कॉलेज में हमने वी हैव ऑलरेडी कंडक्टेड CCE. ओके, तो टोटल 35 का होता है, जिसमें 5 मार्क्स CCE और 30 नंबर का आपका थ्योरी. अभी 30 नंबर में क्या होता है, सबसे पहले जाने कि योर सिलेबस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेन यूनिट्स. आपका जो सिलेबस है ये 5 मेन यूनिट्स में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें आपका फर्स्ट यूनिट है, योर फर्स्ट यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू, और जिसमें 6 लेसन्स हैं, जिसमें पहला जो लेसन पोयम है स्टॉपिंग बाय बोट्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, विच इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है. और सेकंड जो लेसन है चेरी ट्री, जिसमें एक राखी एक 6 साल का एक लड़का रहता है, और उसका जो 6 साल का लड़का है और उनके जो दादाजी हैं उनके बारे में स्टोरी है कि वो किस प्रकार से चेरी ट्री का पेड़ लगाते हैं, उसका फल निकलता है, कैसे उसका मतलब टेस्ट होता है खुद का लगाए हुए पेड़ का, तो वो पेड़ से निकले हुए फल का. तो ये सारी चीज इसमें वर्णन किया गया है, विच इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. और जो सेकंड थर्ड जो स्टोरी है द एक्स, ये भी एक एनवायरनमेंट से संबंधित है, और विच इज रिटन बाय आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है, आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है, जिसमें स्टोरी है वेलेन के बारे में. वेलेन जो कि एक ऐसा लड़का रहता है, एक दिन अपने पापा के लिए वो जब लंच ले थोड़ा देरी से ले जाते हैं, उनके पापा इतने गुस्सैल होते हैं कि वो जो है लंच मतलब टाइम से ना मिलने से वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उनको घर से बाहर निकाल देते हैं. तो बेचारे वो जो है भीख मांगते हुए जब तो चला जाता है घर के बाहर, तो रास्ते में एक एस्ट्रोलॉजर मिलता है, तो वो उनको बोलता है कि आज तुम भीख मांग रहे हो, लेकिन एक दिन वेलन तुम जो 3 स्टोरी टाइप बिल्डिंग के मालिक बनोगे. सभी लोग नेबरहुड के हंसते हैं कि ये भीख मांग रहा है लड़का, ये कैसे मतलब वो स्टोरी टाइप के 3 मंजिला मकान के मालिक बन सकता है. लेकिन कभी कभी सपने सच भी हो जाते हैं, वो ऐसे भटकता रहता है. तो एक रास्ते में चलते चलते उसको एक बगीचा बढ़िया अच्छा मिलता है, वहाँ एक 3 मंजिला मकान रहता है, वहाँ एक बूढ़ा सा आदमी रहता है. जब वो वहाँ जाता है फिर कहता है कि मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, वो आदमी उसको जो गार्डन वाला है वो बोलता है कि तुम गार्डन की सफाई करो, मैं तुम्हें खाना दूंगा. इस तरह इतने सफाई करता है तो उसके सफाई को देख करके खुश हो जाता है कि और उसको वहीं काम पे रख लेता है. धीरे धीरे वो बूढ़ा जो इंसान है उस 3 मंजिला मकान का, वो बहुत ही मतलब बीमार हो जाता है. वो फिर कहता है कि जो घर है इसको आप संभालो, आपका ये घर है, आपकी ये गार्डन है, पूरे संभालो. तो वहाँ वो मरगोसा ट्री लगाते हैं. याद रखिए, पूछ दिया जाएगा कि विच ट्री या प्लांट यू कैन से वाज प्लांटेड बाय वेलन, तो याद रखिए मरगोसा ट्री. फिर इसके बाद फिर कुछ दिन में जब वो गार्डन को और उस पूरा प्लाट को जब बेच दिया जाता है, जैसे टोटल धमाल में आप देखे होंगे है ना, तो वहां से जब बोलते हैं कि नहीं हम ये पूरा गार्डन खरीद चुके हैं, ये घर खरीद चुके हैं, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, वेलन बहुत ही निराश होता है क्योंकि वहाँ वो मरगोसा ट्री लगाया हुआ है. तो कहता है कि मैं जब दूर चला जाऊंगा तो इसको काटिए, इस पेड़ को, जो यहाँ रहूंगा तो आप काटेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा क्योंकि मैं बच्चे जैसे इसका पालन पोषण किया है. ये साइड में स्टोरी है द एक्स के बारे में. चेरी ट्री में राखी के बारे में है, जो कि चेरी के पेड़ के बारे में है. इस तरह से
फोर्थ लेसन है आपका सेल्फिश जेंट, ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखा गया है। एक राक्षस होता है इसमें, जिसमें पूरे उसका भी एक गार्डन ही रहता है, वहां पूरी तरह से वो उसको ब्लॉक करके रखता है गार्डन को, ताकि कोई भी वहां एंटर ना कर पाए, और कुछ दिन की छुट्टी मनाने के लिए वो घूमने चला जाता है। आसपास के बच्चे बहुत ही बच्चे तो होते हैं शरारत, वो जो है जो गार्डन फेंसिंग किया हुआ है उसमें थोड़ा सा होल लगा कर लेता है वो, और सभी बच्चे वहां घुस जाते हैं। जब वहां घुस जाते हैं और खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, जब छुट्टी के बाद फिर वह है राक्षस जो है वह लौट के आता है, फिर कहता है अरे मैं तो यहाँ पूरा फेंसिंग लगाए थे, बच्चे कैसे घुस गए। तो वो जो है फिर उसको जो होल किए थे बच्चे उनको बंद कर देता है। जैसे बंद करता है बच्चों का आना बंद हो जाता है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता है कि उसका जो पूरा गार्डन है वो एक तरह से एक उसमें हो जाता है कि वहाँ फल नहीं लगते, फूल नहीं लगते, बहुत ही मतलब वो एक तरह से वो होते हैं। तो उनको लगता है कि मैंने मतलब गलत किया है, बच्चों को रोकना नहीं चाहिए। इस तरह से बच्चों के लिए फिर वो ओपन कर देता है, सभी बच्चे आते हैं, सभी इंजॉय करते हैं वहाँ, फिर वहाँ बसंत ऋतु आ जाती है, फूल लगते हैं, फल लगते हैं, ऐसा ये भी है। ऑन द रोल ऑफ द रोड में एजी गार्डनर के द्वारा लिखा गया है कि जब हम रोड पे चलते हैं तो हमें किस प्रकार से रूल्स जो होते हैं, ट्रैफिक रूल्स या किसी भी प्रकार के रूल्स, जो लाइबिलिटीज होते हैं, जो हमारे ड्यूटीज होते हैं, हमारे जो लिए जो रूल्स बनाए गए हैं उनको फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में है। सिक्स लेसन है द सॉन्ग ऑफ कबीर, कबीर के द्वारा लिखा गया है, लेकिन इसको ट्रांसलेटेड किया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो याद रखिएगा जब भी ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हु हैज ट्रांसलेटेड द सॉन्ग ऑफ कबीर इनटू इंग्लिश वर्जन, तो आप लोग लिखिए टैगोर। तो इस तरह से डायरेक्ट हर जो छह लेसन है हर लेसन से तीन तीन नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, याद रखिएगा। चार ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, छह आएंगे, जिसमें यू हैव टू अटेम्प्ट इट 4 out of 6। इस तरह से आपके 60 आंसर टाइप छह रहेंगे, जिसमें आपको तीन को करना है दो दो नंबर के। तो यूनिट फर्स्ट जो है टोटल 10 नंबर का होगा, मतलब 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 6 नंबर का 60 आंसर टाइप क्वेश्चन, ओके। और यूनिट सेकेंड आपका ग्रामर कोर्स है, एज आई हैव ऑलरेडी टॉक्ट अबाउट दैट, ग्रामर कोर्स इज द रूट ऑफ एनी लैंग्वेज। ये आपके 10 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे डू एज डायरेक्टेड के रूप में, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस रहेगा। मान लीजिए कि प्रिया गोज टू मार्केट है, निगेटिव बदलो रहेगा तो प्रिया डज नॉट गो टू मार्केट हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच रहेगा, प्रिया सेज आई एम गोइंग टू कॉलेज, तो इनडायरेक्ट बना इनडायरेक्ट है डायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यदि चेंज करना है तो प्रिया सेज दैट सी इज गोइंग टू कॉलेज हो जाएगा। एक्टिव पैसिव वाइज आएगा, टोटल मतलब आपको 10 रहेंगे, बट यू हैव टू अटेम्प्ट इट एट आउट ऑफ 10, ओके। सीधे 8 नंबर के रहेंगे। इस तरह से रिपोर्ट राइटिंग रहेगा आपके, और इस तरह से ड्राफ्टिंग, ईमेल्स और सीवी रहेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी अभी सीसी एग्जाम में हमने ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस करा ही चुके हैं। तो ये ऐसी यूनिट है जो कि 101% यहाँ से आना ही है। तो मैं यही चाहूंगा सबसे पहले आप यूनिट फर्स्ट पढ़िए और सीधे नीचे से जाइए, ड्राफ्टिंग सीवी करिए, ड्राफ्टिंग ईमेल्स करिए, क्योंकि इसमें दो दो क्वेश्चन ही है। ये दो दो क्वेश्चन यदि आप कंप्लीट करेंगे 101% क्वेश्चन आएंगे ही एग्जाम में, कैसे आते आइए देखते हैं। जैसे मैंने बताया सेक्शन ए में आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ओके। ये इसमें 6 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 6 लेसन है, 6 लेसन से एक एक ऑब्जेक्टिव आएंगे, लेकिन आपको जो 4 बनते हैं उनको करिएगा, 4 नंबर के होंगे। इस तरह से 6 60 आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, वो यूनिट फर्स्ट से ही जो 6 लेसन है वहां हर लेसन से एक एक 60 आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, बट यू हैव टू अटेम्प्ट इट 3 out of 6, ये 6 नंबर के हो गए, टोटल 10 नंबर हुए यूनिट फर्स्ट। यूनिट जो सेकंड है बेसिक लैंग्वेज स्किल में ग्रामर कोर्स रहेगा, जिसमें 10 क्वेश्चन सेट किए जाएंगे डू एज डायरेक्टेड के रूप में, बट यू हैव टू अटेम्प्ट इट 8 out of 10, सभी एक एक नंबर के रहेंगे, 8 मार्क्स रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में रिपोर्ट राइटिंग का रहेगा, मान लीजिए जैसे है अभी हमने अपने कॉलेज में क्या यूथ फेस्टिवल मनाया, तो यूथ फेस्टिवल जैसे इसको सीसीई के एग्जाम में दिया था कि आपके कॉलेज में यूथ फेस्टिवल आयोजन किया गया उसके बारे में रिपोर्ट राइटिंग लिखो, यानी जो घटना घटित हो चुकी होती है उसके बारे में लिखना होता है। जैसे मान लीजिए कि रास्ते में चलते समय कोई रोड एक्सीडेंट हो जाती है, उसको आपने देखा, तो उसके बारे में अपना जो रिपोर्ट राइटिंग तैयार करना है कि कैसे हुआ क्या हुआ इसके बारे में, तो ये 6 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन जो लास्ट वाला रहेगा ड्राफ्टिंग ईमेल्स और ड्राफ्टिंग सीवी कैरिकुलम वेटी, जो भी मैंने प्रैक्टिस कराया है और सीसीई एग्जाम में दिया है आपको, सभी कॉलेजेस में ऐसे हुए होंगे, तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसको मैं सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा कि इसको आप पढ़िए, क्योंकि 101% ये क्वेश्चन आता ही है, और आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए हैं। मान लीजिए कि ड्राफ्टिंग सीवी का रहेगा कि ड्राफ्ट अ सीवी विथ कवरिंग लेटर, कवरिंग लेटर भी लिखना है पहले, कवरिंग लेटर आएगा इसके बाद सीवी आएगा,
जिसमें आपके जो डिवाइड होते हैं कि एप्लीकेशन का अलग नंबर रहेगा 3 नंबर और सीवी का 3 नंबर, ठीक है। तो मैंने प्रैक्टिस करवाया है आपको कि राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश, ओके, कोई भी हो सकता है। जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, ओके, फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश एट सेंट मैरी स्कूल हरदा लिखा था मैंने, वहां कुछ भी हो सकता है। तो जो एप्लीकेशन रहेगा फॉर्मेट वही रहेगा, ओके, जो कवरिंग लेटर में ऊपर आप एड्रेस करेंगे, ओके। इसके बाद मेन कंटेंट आएगा, पहला जो पैराग्राफ होता है उसमें लिख सकते हैं आपके, दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन द न्यूज पेपर सो एंड सो, है ना। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश एट योर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, भले जैसे भी इंस्टीट्यूट हो आपको लिखना है, ओके। और दूसरा पैराग्राफ अपने क्वालिफिकेशन बताएंगे, जैसे कि आई हैव कंप्लीटेड एमए इन इंग्लिश विथ फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी। अपना एक्सपीरियंस भी कर सकते हो, भले एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन यहाँ आपको फॉर्मेट तो एक तरह से बनाना है कि आई हैव बीन टू टू ईयर्स या 3 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम यहाँ यहाँ से ऐसे। लास्ट लाइन लिख सकते हैं कि आई एम इनक्लोजिंग हियर विथ माई कंप्लीट सीवी, कि मैं कंप्लीट सीवी इनक्लोज कर रहा हूँ, करके नेक्स्ट पेज में फिर सीवी को ड्राफ्ट करिएगा। ये क्वेश्चन आएगा, यदि ये नहीं आएगा तो 101% क्या आएगा उसके अथवा में ईमेल रहेगा। दोनों क्वेश्चन में यदि ईमेल राइटिंग ड्राफ्टिंग सीवी आएगा, यदि ये नहीं आता है तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डूज और डोंट। जब हम ड्राफ्ट सीवी करते हैं, ईमेल ड्राफ्टिंग करते हैं, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये आएगा। दो ही क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन में 100% 6 नंबर का आना है, तो इसको तैयार कर लीजिए। ये 6 नंबर का आपकी क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से ये जो है टोटल 30 नंबर का आपका थ्योरी पेपर होगा जो आपके यूनिवर्सिटी से पूछे जाएंगे। 5 नंबर का सीसी ऑलरेडी यू हैव कंडक्टेड, ओके। तो ये आपकी कुछ मतलब सिलेबस के बारे में डाउट क्लियर करना था। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी टॉपिक में यदि कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप इसमें कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम उसमें उस समस्या को सॉल्व करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि हर यूनिट से एक छोटा छोटा मैं मतलब जो है आप लोगों के लिए वीडियो बना दो, जिसमें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। एग्जाम बहुत नजदीक है, एग्जाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड बेस्ट विशेस। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, सभी स्टूडेंट के पास इसे पहुंचाइए भी। थैंक यू, गुड लक, बेस्ट विशेस टू ऑल डियर वंस।